9.6 संक्षारण करोजन। हम जानते हैं क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, एल्यूमिनियम शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करती हैं और उनके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को जंग लगना करोजन कहते हैं। यहाँ हम जंग लगने की प्रक्रिया तथा उनसे बचने के तरीकों का अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 5। इस क्रियाकलाप को गर्मी या सर्दी के मौसम में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में नमी अधिक होने के कारण परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है। 3 परख नलियां लीजिए तथा इन्हें क्रमशः अ, व तथा स नामांकित कीजिए। प्रत्येक परख नली में 3-4 आल्पिन डाल दीजिए। परख नली अ में इतना पानी डालें कि आल्पिन डूब जाए। परख नली ब में रुई गीली कर नीचे तक फंसा दें। परख नली स में रखे आल्पिन को ऐसे ही रहने दें। अब तीनों परख नलियों के मुंह पर गुब्बारा लगाकर वायुरोधी कर दें। तीनों परख नलियों को स्टैंड में रखकर गर्म जगह धूप में रख दें तथा 3-4 घंटे बाद अवलोकन करें। चित्र 9। ठंड में क्रिया की गति धीमी होती है। क्या तीनों परख नलियों में रखे आल्पिन में जंग लगा है? क्या जंग लगने की मात्रा समान है? क्या परख नलियों में लगे गुब्बारों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है? यह परिवर्तन किस गैस के बनने अथवा खर्च होने के कारण हुआ है? किस परख नली अ, ब तथा स में अधिक परिवर्तन हुए? लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है, लेकिन जंग लगने पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण या अम्लों की उपस्थिति। इनकी उपस्थिति में जंग अधिक शीघ्रता से लगता है, इसलिए समुद्र के पास के इलाकों में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। धातु की प्रकृति भी संक्षारण, धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जमना लगने की दर को प्रभावित करती है। अधिक क्रियाशील धातु पर संक्षारण शीघ्र होता है। वायुमंडल में अशुद्धियों, धातुओं की प्रकृति तथा परिवेश के पीएच मान में परिवर्तन से भी धातुओं के संक्षारण दर में परिवर्तन होता है। 9.6.1 जंग लगने को नियंत्रित करना। हमने क्रियाकलाप 5 में देखा कि हवा और पानी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है, इसलिए अधिकांश जंग रोधी विधियों में धातु का हवा और पानी से संपर्क रोका जाता है। लोहे तथा वायुमंडल के मध्य जंग रोधी परत लगाने की क्रिया रोधिका रक्षण बैरियर प्रोटेक्शन कहलाती है, जिसमें लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाया जाता है। विद्युत लेपन द्वारा भी लोहे के ऊपर टिन, निकेल, क्रोमियम जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्रियाकलाप 6। अपने विद्यालय और घर में उपयोग की जाने वाली लोहे की बनी वस्तुओं की सूची बनाइए और नोट कीजिए कि इनमें से किन किन वस्तुओं पर पेंट लगा है तथा किन पर ग्रीस। इन दोनों उपायों में से किसी एक के चयन का आधार क्या है? अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यह प्रक्रिया उत्सर्ग रक्षण सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहलाती है। आपने गैल्वेनाइज्ड लोहे के बारे में सुना होगा। इसमें लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा मोटी परत ZnO के रूप में रहता है। अतः लोहा जंग लगने से बच जाता है। कुछ धातुओं में जंगरोधी विलयन लगाकर भी संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस विधि में क्षारीय क्रोमेट
या क्षारीय फॉस्फेट विलयन का जंगरोधी विलयन के रूप में उपयोग किया जाता है। कभी कभी लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जिन पर जंग बहुत कम या नहीं लगता है। 9.6.2 लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। जब धातु जैसे लोहे को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है, तब धातु की सतह पर धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करने लगती है। एनोड पर Fe 2 प्लस चार्ज के रूप में विलयन में चला जाता है। Fe इज इक्वल टू Fe 2 प्लस चार्ज प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा OH- आयन बनाते हैं। ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 OH- आयन। एनोड पर बने Fe2+ आयन OH- आयनों से क्रिया करके FeOH होल ट्वाइस सॉलिड बनाते हैं। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। ट्वाइस FeOH होल ट्वाइस प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2O लिक्विड इज इक्वल टू Fe2O3 इंटू XH2O सॉलिड। यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग रस्ट कहलाता है।